আসানসোলের আপকার গার্ডেন সংলগ্ন রেলের জমিতে খাটাল উচ্ছেদের নোটিশ। এর ফলে বিপাকে পড়েছে খাটালে বসবাসকারী মানুষেরা। জানা গিয়েছে আপকার গার্ডেনে এলাকায় রেলের জমিতে এই খাটাল এলাকায় প্রায় 100টি পরিবারের বসবাস। প্রায় 100 বছর ধরে তারা এই এলাকায় বসবাস করছেন, কিন্তু রেলের তরফে তাদেরকে সবার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে সমস্যায় পড়েছেন এলাকার মানুষেরা। এদিন খবর পেয়ে খাটালের মানুষের সঙ্গে দেখা করতে আসেন যদু বংশী কল্যাণ সমিতির সদস্যরা। জি হ্যাঁ, হটানে ইসে পহলে ভি নোটিশ দিয়া গিয়া। এক নোটিশ এক মহিনা পহলে ওয়ালা নোটিশ হাম লোগ পায়ে হ্যায়। তো ফির আপ লোগ কো ভি হাম লোগ কুছ লিখ কে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কো দিয়ে থে আপনা তরফ সে কি 5-7 ফুট আপকা জমিন রেল কা হ্যায় ইয়াহ পরি। और उससे दिक्कत कुछ तो सर नहीं, हम लोग का सब बड़ी सी यहाँ तक बहुत दिन से हम लोग हैं, लेकिन आपका आपको जैसा विचार हो, अब हम लोग तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं आपके साथ में, लेकिन गरीब आदमी हैं, सब को परिवार इस जगह पाल रहे हैं, बाल बच्चा खा कमा रहे हैं इस जगह से, तो इसी के चलते हम लोग हैं। आप बहुत दिन से सर रहिए गए, आज तक आज भी अभी भी हइए हैं आपका, मैंने रेले का साथे में है, अपना भी ज़मीन हम लोग का उस जगह आपका साथे साथ है, तो आपका जैसा विचार हो वैसा अब तो क्या करेंगे आप लोग? अब जैसा आपका विचार होगा सर, तो वही ना, अब आप ही लोग ना करिएगा, हम लोग तो गरीब आदमी है, कोनो आपको हम तो कोई आपत्ति नहीं कर रहे हैं। ये लोग आके क्या बोले आज? आज बोल रहे हैं सर कि मैंने तुम लोग खटाल को नोटिस मिला तो काहे नहीं तोड़ के हटा लिया, तो अब हम लोग तुम गुंजाइश नहीं है सर, कहीं अपना जुगाड़ में घूम रहे हैं जमीन जगह जैसा आप होता, हम लोग तो ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन अपना जुगाड़ में जमीन जगह के हैं कि कहीं मिल जाएगा तो एडजस्ट हो जाएगा। क्या नाम हो आपका? हमका नरेश रैना है सर। लोग यहाँ पर ये रेल की ओर से एक नोटिस आया था खटाल को लेकर के। खैर खटाल तो मतलब कि जो भी रेल का जमीन में जो भी थोड़ा सा में खटाल बना हुआ है और सारा कच्चा है, बांस का बना हुआ है और 100 वर्षों से ऊपर हो गया यहाँ पर लोग रह रहे हैं, ऐसे को रेल को क्षति बोल करके नहीं। तो ये हम लोग को सुनने में आया कि समिति में खबर आया कि रेलवे की ओर से खटाल को हटाया जा रहा है, तो उसी को थोड़ा सा मामलों को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं कि देखिए मामला है क्या, क्योंकि हम लोग हमेशा से चाहते हैं कि मतलब रेल का संपत्ति है, सरकार के बिल्कुल साथ रहते हैं, ऐसा कोई भी काम हम लोग इलीगल नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि 100 वर्ष हो गया यहाँ पर गरीब लोग हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, इससे अगर रेल को क्षति नहीं हो रही है तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई कार्रवाई करना चाहिए। कौन समिति की तरफ से आए हम लोग? इटौंसी कल्याण समिति। क्या नाम? मेरा नाम संजीत कुमार यादव है और मैं इटौंसी कल्याण समिति का सीनियर हूँ। সৌমিত্র গাঙ্গুলী, রিপোর্ট টাইমস বাংলা।